क्या तकलीफ थी? ये था पीरियड वगैरह नहीं आता था, काफी टाइम हो जाता था, दवाई लेती थी इस वजह से आता था, वैसे नहीं आता था। वैसे नहीं आता था तो वैसे क्या तकलीफ थी आपको? प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी नहीं हो पाई थी जी। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ आपको? प्रेगनेंसी हो गई। अच्छा, वीक और तीन डे की जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखा रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, फ्रॉम पीलीभीत उत्तर प्रदेश। आइए एक ऐसा शानदार रिजल्ट के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इनको। आज हमारे एस्ट्रिक्स बैलेंस की दवाइयों को लेकर के आज रिजल्ट एक मिला है शानदार। आइए देखते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका मैडम? इशरत जहां। इशरत जहां, और क्या तकलीफ थी? ये था पीरियड वगैरह नहीं आता था, काफी टाइम हो जाता था, दवाई लेती थी इस वजह से आता था, वैसे नहीं आता था। वैसे नहीं आता था। और सर आपका नाम क्या है? ये आपकी वाइफ है। आपके गांव का नाम क्या है? गरवैया। थोड़ा तेज बोलिए लाउडली। गरवैया। और जिला? जिला बरेली है। चलिए, गरवैया जिला बरेली है इनका। और आपको पीरियड नहीं होते थे कभी जी, है ना? दवाई खाते थे तो होते थे, वरना नहीं होते थे। तो उसकी वजह से क्या तकलीफ थी आपको? प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हुई थी। प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। कितने साल हुए शादी को? शादी को अभी एक साल हो गया, दो महीने हो गया, एक महीना। मतलब 14 महीने हो गए आपकी शादी को, लेकिन कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं थी मैडम को। तो यहाँ से फिर आपने क्या किया? फिर आपके बारे में मालूम हुआ तो आपके पास गई, लेके आपकी दवाई खाई, इंशाल्लाह मुझे फायदा हुआ आपकी दवा से काफी। अच्छा, अभी आपको फायदा हो गया है जी। अच्छा, तो क्या फायदा हुआ आपको? प्रेगनेंसी हो गई। अच्छा, प्रेगनेंसी हो गई, क्या दवाई चलाई थी आपने? मैंने, अच्छा, ये थंडर ब्लास्ट है, दिखाइएगा सर। ये गाइनोडॉक है और ये थंडर ब्लास्ट है। ये दो दवाई आपने चलाई थी हमारे यहाँ से, 2.5 महीने तक चलाई है ना जी। बाकी आपकी बच गई है? बाकी ये बच गई। चलिए, बहुत अच्छा। और आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। चलिए, इसको रखिए, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। और ये रिपोर्ट है आपकी जी, ये पीलीभीत में आपने कराई है। चलिए सर, मैं चाहूंगा एक बार रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, डेट के ऊपर डालें आप ध्यान से। और यहाँ पे ये जो 8 वीक और 3 डे की जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखा रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ओके सर, थैंक यू। तो आप हमारी दवाइयों से खुश हैं? बहुत खुश हूँ आपके। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस कंपनी और दवाइयों की दवाई से? लेकिन ये आप जो भी बेचारी क्लिनिक से नहीं है, मैं सोच रही हूँ मेरी बहनें जितने भी हैं, आपकी दवाई लें, फायदा हो उनको, आपकी दूसरे दुआ निकले। बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंपनी के एमडी श्री संजीव सर को और इस कंपनी एस्ट्रिक्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को भी, जिसने इतने बेहतरीन दवाइयों का आविष्कार किया, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचती है, पैसा बचता है, चीरफाड़ होने से बचती है। सबसे बड़ी बात है कि घर घर में खुशियां आती हैं और हमें और हमारे संजीव सर को बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं। सो थैंक यू एस्ट्रिक्स, थैंक यू संजीव सर।